नमस्कार दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है, लेकिन एकादशी का व्रत हम लोग देवठानी भी कहते हैं। देवठानी के दिन हम एकादशी का ही व्रत रखते हैं और उस दिन पर हम तुलसी माँ की आराधना करते हैं। कहा जाता है ये पाप मुक्त कराने वाला व्रत माना जाता है। यदि आप देवठान के दिन एकादशी का व्रत करते हैं तो वह व्रत आपको अचूक फल देता है और आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए अच्छा उपाय है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में जितनी भी परेशानियाँ हैं वह सभी दूर हो जाए तो इस व्रत को आप कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत को करने के लिए आपको सही विधि पता होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि तुलसी विवाह भी देवठान के दिन ही होता है और उसके बाद सभी हिंदू धर्म में विवाह योग देखा जाता है। उसके बाद शादियां शुरू हो जाती हैं। शादियों का सीजन देवठान के बाद ही शुरू होता है। हम सभी जानते हैं कि देवठानी का व्रत पाप मुक्ति होता है, जिसे हम एकादशी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को करने से हम हजारों तीर्थयात्री सब जगह घुमाते हैं, चाहे वह तीर्थयात्री जगह हो या फिर अश्वमेघ हो या सौ सूर्य यतुल्य। इन सभी सूर्य की कृपा पाने के लिए हम लोगों को सिर्फ एक व्रत यानी कि एकादशी व्रत देवठानी के दिन करने की हम सभी पुण्य पा सकते हैं, क्योंकि पुण्य पाने के लिए हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और गंगा स्नान करने से हम पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत भी पाप मुक्त ही करता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको हजारों पुण्य पा सकते हैं। एकादशी व्रत करने का एक और कारण है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि यदि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो वह इस जन्म के पापों का तो सर्वनाश करते ही हैं, साथ के साथ सात जन्मों में किए जाने वाले पाप भी उनके पुण्य में बदल जाते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आप सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। नंबर दो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और मनोकामना पूरी करने के लिए आप चैतो जगत में लगे रहते हैं और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यदि आप देवठान के दिन एकादशी का व्रत रखते हैं तो वह खास माना जाता है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वह सभी पूरी हो जाती हैं। यदि आप इस व्रत को कर रहे हैं तो यदि आप नहा रहे हैं तो नहाने के लिए आप कुआं या नदी पे जाते हैं तो वह अच्छा माना जाता है या फिर कहें शुभ माना जाता है। इस दिन निराहार व्रत किया जाता है, बड़े प्रेम पूर्वक रखती हैं और इस विधि के अनुसार रखती हैं ताकि उनकी विधि के अनुसार रखने से उनके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। इस व्रत पर हम लोग तुलसी विवाह भी करते हैं। तुलसी विवाह 11 उठानी के नाम से किया जाता है या फिर देवठान के 11वें दिन किया जाता है, इसलिए तुलसी विवाह खास होता है। इसमें तुलसी विवाह करने के बाद ही हमें सभी हिंदू धर्म को पता होता है कि अब शादी का सीजन शुरू हो चुका है। घर घर शादी का सीजन या फिर शादियां शुरू होनी शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए देवठान का पर्व ज़्यादा खास माना जाता है। तो ये है देवठान को मनाने के खास तरीके और कैसे मनाया जाता है। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।